हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, आज पाठ 11 पढ़ेंगे, ठीक है। और पाठ का नाम है बैजू बाबा। बैजू बाबा ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है, कोई नामी व्यक्ति होगा उस समय का, ठीक है। बैजू बाबा उनके बारे में है, ये बैजू बाबा कौन थे, किस काल के थे और इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, इन्होंने क्या क्या किया, इन सब के बारे में ये पाठ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैजू बावरा एक वास्तविक नाम है। इनका जन्म 1542 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1613 में हुआ था, ठीक है। ये भारत के एक महान गायक थे और ये उस समय के ग्वालियर, यानी ग्वालियर कहाँ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है ना। वे ग्वालियर के राजा मानसिंह को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जब सोशल में, ठीक है। राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। समकालीन मतलब जब तानसेन अकबर के एक 9 रत्नों में से एक रत्न हुआ करते थे ना, अकबर के 9 ज्वेल्स, तो आप लोगों ने स्कूल पढ़ा होगा, अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब ये गिने मोती जवाहरात नहीं, वो कोई मंत्री था, कोई गायक था, कोई सेनापति था, उनके 5-9 थे जो अकबर के प्रिय थे, उनमें से तानसेन भी एक थे, ठीक है। तो तानसेन के समकालीन थे, तानसेन के समय ये बैजू बावरा थे, ठीक है। तो बैजू बावरा भी एक गायक थे और तानसेन भी एक महान गायक थे। उनके जीवन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं जिनकी ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। कहानियां हैं बैजू बावरा के ऊपर, बहुत सारी कहानियां बनी होंगी है ना, कोई कहानी सच्ची जो ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती, मतलब कि इतिहास में जो अभी हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये इतिहास में नहीं है, तो ऐतिहासिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन इनके ऊपर कहानी बनाई गई है। कहानी बनाई जा सकती है ना, अकबर बीरबल के किस्से आप लोगों ने सुना होगा, कितने हंसी मजाक वाले किस्से होते हैं, ठीक है। क्या वो सच्ची में होते थे, नहीं, तो उनको लेकर के कहानी बनाई जा सकती है। ये भी कहानी के रूप में आप लोग पढ़िए सुनिए। तो ये बैजू बावरा गायक थे, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं पाठ में, देखिए ध्यान से, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसको सुनिए या किताबें देखिए, ठीक है। प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। मंडली साधुओं की मंडली मतलब एक साथ में अनेक साधु एक साथ कहां शहर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। ये लोग जो मस्त मौला, ईश्वर भक्त और हरिजन के मतवाले थे। मस्त मौला मतलब दुख और चिंता से परे, कोई दुख नहीं है, मस्त जीवन, खुश, हमेशा खुश रहना, जीवन में मस्ती के अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। ईश्वर भक्त, ईश्वर में ये लोग विश्वास करते थे, ईश्वर भक्ति में अपना सब कुछ लुटा देते थे। और हरिजन के मतवाले, हरिजन मतलब हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, भगवान के लोग, उनके लिए ये हरी के मतवाले थे, ठीक है। मतवाले मतलब बेफिक्र, कोई चिंता नहीं, जो मन में आए वही करते थे, किसी ने उनको कुछ कह दिया कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपने आप में मस्त रहते थे। संसार के बंधन तोड़ चुके थे और अपने मन को मार चुके थे। सांसारिक मोह माया इनमें नहीं था, संसार के बंधन तो सांसारिक मोह माया, यानी कि परिवार से इनको कोई लगाव नहीं था, मोह माया नहीं था, और अपने मन को मार चुके थे। मन को मार चुका मतलब ये कि इनको कोई किसी चीज की कोई भी इच्छा नहीं थी। साधु गाते थे सुमर 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 भगवान को, ठीक है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी, संसार ने जिसने त्याग दिया है, सुर में गाना, ताल में गाना, मैंने अगर सुर ताल में गाना नहीं गाया या इस पर भजन नहीं किया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इनको कोई इससे मतलब नहीं था। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई वहां में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इनकी, उन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। वे अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने उनको आकर घेर लिया। राग मतलब राग गाना, ठीक है, जो रागी होते हैं वो राग गाते हैं, अपने गाने में अपने मस्त थे। इतने में उस राज्य के सिपाही आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, घेर करके और हथकड़ियां लगाकर बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। यह वह समय था जब भारत के अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना मतलब उनकी ही धाक थी, वो जो बोलते थे वो होता था।
था, ठीक है, उनकी बात को कोई भी नकार नहीं सकता था। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। राग विद्या, ठीक है, ये जो रागी जो होते हैं, ठीक है, रागी मतलब राग गाने वाला, तो गीत गाता है, राग छेड़ता है। और उन्होंने ये नियम बना दिया था, किसने, तानसेन ने, मशहूर रागी थे, अकबर के दरबार के मशहूर रागी थे, उन्होंने ये कानून बनवा दिया था कि कोई भी आदमी जो तानसेन की बराबरी न कर सके राग विद्या में, ठीक है, राग विद्या में या गान में, वो अगर जो तानसेन की बराबरी नहीं कर सकता है वो आगरा के अंदर न गाए, आगरा की सीमा के अंदर न गाए। अगर गाते हैं और तानसेन की बराबरी नहीं कर पाते तो उनको मौत की सजा दी जाती है, ठीक है। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, उन्हें नहीं मालूम था कि क्या नियम है, क्या कानून है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। और यहाँ पर अज्ञान भी अपराध है, यानी कि हर चीज के बारे में तुम कहाँ जा रहे हो, किस देश में जा रहे हो, किस राज्य में जा रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो अज्ञान भी एक अपराध ही हुआ, ठीक है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ, तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे, मुंह ताकने लगे, एक दूसरे को मुंह देखने लगे, उनको कुछ आता नहीं था, बस अपने मस्ती में गाते थे वो लोग, राग क्या विद्या क्या उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं था, तो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। अकबर के होठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तानसेन ने जो नियम बनाया था बादशाह अकबर के इशारों पर ही बनाया था, मतलब उनको बना दिया था कि मैं जो भी कानून बनाऊंगा आपको मानना होगा, और जब तक अकबर आज्ञा नहीं देंगे तब तक तानसेन भी कुछ नहीं कर सकते, तो अकबर जो थे तानसेन की हर बात को मानते थे। तो अकबर ने दे दिया, अब जो भी होगा जो भी फैसला करेंगे वो कौन करेगा, तानसेन करेंगे। मृत्यु दंड की सजा हुई, मौत की सजा, केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया, बच्चा है इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है, तो 10 वर्ष का बच्चा है, इसने अपराध नहीं किया है तो इसको छोड़ दिया जाए। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने लगा। बच्चा है, सब कुछ सबके सबको मार दिया गया, तो उसमें उसके बाबा भी थे, है ना, उसके पिताजी भी थे, तो सब कोई नहीं था, तो अकेला क्या, छोटा सा 10 वर्ष का बालक क्या करेगा, तो वो रो रहा था, अपनी कुटिया में गया, रोने लगा, तड़पने लगा, वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, आप मुझे कौन प्यार देगा, मुझे कौन कहानियां सुनाएगा। छोटा बच्चा ये सब चाहता है, अपने माता पिता का प्यार चाहता है, कहानी सुनाता है, बात थी नहीं इनकी, बाबा के साथ रहता था, वो भी चले गए, बेचारा बच्चा क्या करेगा, वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, बुला रहा था, है ना। इतने में खड़ाऊ, पहले खड़ाऊ जानते हो ना, जो पैरों में पहनते जिसके ऊपर का फीता नहीं होता है, सिर्फ नीचे नीचे तलवे तलवे का होता है, या अंगूठा और जिससे उंगली के बीच में फंसाने वाला एक चीज होता था, ठीक है, खड़ाऊ देखिए और देख लेना, इसमें दिया नहीं होगा, वैसे भी इसी को खड़ाऊ कहते हैं। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए, बेराम नाम का जाप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो, उसको शांत करवा रहे हैं, ठीक है। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया, वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना, जिनको कुछ पता नहीं था उसके पूरे की पूरी टोली को ही मृत्यु दंड की सजा दे दी थी तानसेन ने। हरिदास ने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने ऊपर हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ सके। आप उसको सांत्वना देते हैं, उठाते हैं, गले से लगाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक हथियार दूंगा, ऐसा हथियार दूंगा कि वो उसका तुम प्रयोग अन्याय के विरुद्ध कर सकते हो, ठीक है, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या, इसके लिए, इस हथियार को पाने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करना होगा, भयंकर कठोर तपस्या करना होगा। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ, 12 वर्ष पहले कुछ नहीं है, मैं 12 जीवन भी दूंगा आपको, लेकिन मुझे वो हथियार दीजिए, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपकी भेंट कर दूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गया है, अब इस घटना को 12 वर्ष बीत गया है। अब बैजू बाबा युवक था और राग विद्या में दिन पर आगे बढ़ रहा था, बैजू बाबा 12 वर्ष युवक बन गया था, बड़ा हो गया था, और राग विद्या में
गाना जो उसको सिखाया होगा अरिदास ने, है ना, तो उसमें वो दिन पर दिन आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके स्वर में जादू था और तान में एक अक्षरमयी मोहिनी थी। मोहिनी का मतलब क्या है? मन को मोहने वाला। मोहिनी मतलब क्या होता है? मन को मोहने वाला, ठीक है। जो भी वो गाते थे, जो भी राग बजाते थे, सब के सब मोहित हो जाते थे। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, पत्थर, पक्षी, पशु, सब कोई, पौधे, पेड़, सब कोई उनके गानों को सुनकर मस्त हो जाता था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध रह जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि इतना मधुर स्वर में वो गाते थे, इतना मधुर ताल वो बजाते थे कि लोग उसमें बेसुध हो जाते थे। अब तू एक जो वाह वाह करते, हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। समा बन जाना मतलब वातावरण बन जाना, है ना। गाने का गाना गाते थे तो लोग उस वातावरण में अपने आप को मस्त पाते थे। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, वत्स मतलब बेटा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। गंधर्व मतलब गायक, पूरी तरह से वह गायक हो गया है, गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं जो तुझे दो, मेरे पास जो कुछ था मैंने 12 वर्षों में दे दिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। कृतज्ञता मतलब का आभार प्रकट करना, एहसान मानना, ठीक है। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आप तो अपना जन्म भर सिर से न उतरेगा, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है वो जन्म भर मैं उतार नहीं पाऊंगा, हमेशा मैं आपका ऋणी रहूंगा, आपका उपकारी रहूंगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, ये नहीं चाहिए मुझे कि मैं आपका उपकार नहीं मानूंगा, ये मुझे नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। हरिदास कहते, कुछ और बोलो, मैं तुम्हारे मुझे कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए, क्या सुनना चाहते हैं आप बोलिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। हरिदास जानते थे कि मैं जो भी मांगूंगा बैजू से वो शायद ना दे, इसीलिए वो पहले प्रतिज्ञा ले लेते हैं। बैजू ने बिना सोचे विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब हरिदास बैजू का कहते हैं प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बाकी का जो वाक्य था वो हरिदास ने पूरा कर दिया। क्या कहकर कि हरिदास की इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब जिस तरह से तानसेन ने अपने राग विद्या से लोगों को हानि पहुंचा रहे थे, ठीक है, तो कहीं ये भी ऐसा काम ना करें, तो वो जानते थे बहुत दूर की सोच करके हरिदास ने इनसे प्रतिज्ञा करवाया था, ठीक है। अब क्या होता है, बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी मिल गया। अब वो सोच रहा था ना कि मैं भी राग विद्या हो गया, मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, तो मैं भी तानसेन से बदला ले सकता हूँ, ये कर, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें रही होंगी। लेकिन प्रतिज्ञा जब सुना देते हैं हरिदास बाबा, हरिदास जब प्रतिज्ञा सुना देते हैं तो फिर उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। मगर गुरु के सामने उनके उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो प्रतिज्ञा कर चुके थे और गुरु थे, गुरु के सामने उस समय के बच्चे जो शिष्य हुआ करते थे वो एक शब्द भी उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ नहीं बोलते थे। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से वाद विवाद करता, यह भारत की मर्यादा न थी, भारत की मर्यादा न, ये उनके मान के खिलाफ होता, ठीक है। तो हमें उस समय के लोग बहुत गुरु को मानते थे, तो ये भी कुछ बहस नहीं करते हैं, चुपचाप उनकी बातों को सुन लेते हैं। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। जानते ही वहां पर वहां के लोग तानसेन के सामने कोई टिक नहीं पाता था और जो भी गाता था आगरे के अंदर तो उनको वो मौत की सजा सुनाते थे। वे उठे कि उसे नगर की वेद की सूचना दे, ठीक है, उस नवयुवक को बताने के लिए कि यहाँ का नियम क्या है। उठे थे जाने के बताने के लिए, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। कैसे? उनके गीत को सुन गया और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है, एक साधु गाने वाला जो है वो आया है, जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, ठीक है। सिपाहियों का क्या था, जो भी आता गाता पकड़ करके दरबार में पेश करना था, तो अपनी हथकड़ियां लेकर के सा
साधु की ओर दौड़ पड़े, परंतु पास आ रहा था कि रंग पलट गया। जैसे ही वो साधु के पास आए, उस नवयुवक साधु के पास आए, रंग पलट गया, पासा ही पलट गया। कैसे? सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली नहीं, सिपाहियों को न अपनी सूझ रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की, किसी की भी अब उन सिपाहियों को होश नहीं था। होश था तो वो होश खो चुके थे। कैसे? क्यों? उस नवयुवक की गाल को सुनकर, ठीक है, वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। एकाएक गाना बंद हो गया, मतलब कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पीछे पीछे श्रोता भी उस साधु साधु के पीछे पीछे जा रहे थे। किसी को कोई भी होश नहीं था, सब के सब पूरा का पूरा माहौल ही मस्ताना हो गया था। ठीक है, एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा। अचानक गाना बंद हो जाता है, जादू लगता जादू बिखेर रहा था ना, जादू से उनके पीछे पीछे जा रहे थे जितने भी श्रोता थे, वो लगता है कि जादू का प्रभाव टूट गया। तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। कहाँ खड़े थे? तानसेन के महल के सामने। और उनका जादू का प्रभाव कैसे टूटा? जब उस नवयुवक ने गाना बजाना छोड़ दिया, तानसेन बाहर निकला, वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझ कर नवयुवक से बोला, तो शायद आप ही के सिर पर मौत सवार है। कहते अब आप ही हो जो मौत को लेकर, अपनी मौत को लेकर आए हो। आपके सिर पर मौत सवार, मतलब शायद तुम्हें तुम्हारी मौत अब आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तो तानसेन को ये नहीं पसंद था कि कोई आगरा के अंदर आकर के उनकी इजाजत के बिना गाना गाए। ठीक है, इसीलिए वो कहते अब तुम्हारी मौत निश्चित है। ठीक है, तो अभी यही, थैंक यू।